और अभी मैं हूँ जयपुर, मैं पहुँच गई हूँ जयपुर। का नाम था मत जाना प्लीज, रास्ता बंद कर दिया है तो धूप बहुत लग रही है, सोच रही हूँ ये सनग्लासेस खरीद। मैं निकली थी रात को 10 बजे बस पकड़ने के लिए दिल्ली से, और बस मैंने पकड़ी थी धौला कुआं से। रास्ता ही नहीं मिल रहा था, जो कैब में डाला था मैंने अपना स्टॉप, वो पता नहीं कहाँ से घूम घूम के जो रास्ता होना चाहिए था मेरा 15-20 मिनट्स अवे, वो मुझे आधे घंटे में या 45 मिनट्स में मैंने कवर किया था। और फिर बट ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल, वो कैसे कैसे करके अपने GPS में देख देख के उसने फिर हेल्प करी, और फिर उसने मेरे को सही रास्ते पर ड्रॉप किया। बीच में मुझे लगा कि शायद मैं खो चुकी हूँ, बट स्टिल थोड़ा रफ स्टार्ट हुई बट अच्छी स्टार्ट हुई। और फिर उसके बाद में मैं अलर्ट हो गई थी कि अब मुझे और अच्छे से, मतलब आई हैव टू बी अलर्ट विद दिस ट्रिप। और फिर पहुंचने के बाद मैंने फुटओवर क्रॉस किया, बस करी नहीं है, बस जा रही हूँ मैं ऐसे ही ढूंढने, बस रैंडमली जो बस मिलेगी बैठ जाऊँगी, ऑब्वियसली टिकट लेकर, बिना टिकट के कैसे मिलेगी। और फिर उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ बस के अंदर, हैप्पी खुश खुश। पहली बार आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, आई नो इट्स नॉट दैट एक्साइटिंग फॉर द पीपल बट फॉर मी इट इज। और बस के चार्जेस ज़्यादा महंगे नहीं थे, इट वॉज अ स्लीपर बस, तो 700 रुपये था फॉर सिंगल पर्सन, तो मुझे सिर्फ 700 रुपये देने पड़े। 12:30 बजे मैं बस में बैठी थी, और जो ड्रॉप था वो बोला था 6 बजे तक हम ड्रॉप कर देंगे, पर कुछ ऐसा हुआ कि पता नहीं इतनी अच्छे से बस चल रही थी, बहुत अच्छी बस मिली थी मुझे। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पहुँचा दिया 4:30 बजे, और फिर मैं 4:30 बजे स्टेशन पर खड़ी थी और मैं सोच रही थी अब मैं कहाँ जाऊँ, बट लकीली मेरे को ये ऑटो वाले भैया मिल गए और ये खुद से आए, इन्होंने मुझे पूरा, और कोई होटल बुकिंग नहीं की थी बिकॉज मुझे ये रैंडमली रखना था। तो फिर होटल इन्होंने दिखाए, इन्होंने 3-4 होटल दिखाए जिसमें से मैंने एक पिक किया, और जो मैंने होटल पिक किया वो काफ़ी अच्छा था, और बैंक्वेट था बेसिकली, तो काफ़ी फैमिलीज भी वहाँ पे ऑलरेडी रुकी हुई थी, तो आई फाउंड इट वेरी सेफ। तो फिर उसको मैंने फाइनलाइज किया, फिर मैंने चेक इन किया, चेक इन करने के बाद चेक इन वाज आल्सो गुड, मतलब उन्होंने मुझे बोला, और इस टाइम पे ऑब्वियसली आपको कहीं चेक इन नहीं मिल रहा था, इसलिए भी 2-3 होटल्स मुझे नहीं समझ में आए। और फिर उसके बाद में मुझे इस होटल ने चेक इन करने दिया, फिर मैंने चेक इन करने के बाद इन्होंने बोला 12 आवर्स आप रुक सकते हो, तो मीन्स मैंने चेक इन किया था 4:30 इन द मॉर्निंग, 4:30 भी नहीं, मतलब ट्रैवल करते करते 5:30 हो गया था, 5:30। फिर उसके बाद में मैंने चेक इन किया, फिर चेकआउट नेक्स्ट था नेक्स्ट इवनिंग और नाइट कह सकते हो 12 बजे, तो तब मैंने चेकआउट करने के लिए ऐसे बात वो अग्री करके थे, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल होटल। कुछ नहीं खाया है तो पैर उड़ गया अभी, बाय द वे अगर मेरा ब्लॉग चेक नहीं किया है जो कल का था वो कर लीजिए, आई गॉट माई लेजर डन, चेक दैट। और बाकी आई एम गोइंग टू हैव समथिंग, लेट्स सी वेयर विल आई लैंड अप, आई हैव नो आइडिया वेयर आई एम गोइंग। अभी मैंने कुछ लोगों से पूछा है और वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि पास में आगे चल के खाने की दुकान है, यू कैन गो। और फिर मैंने कुछ थोड़ा सा ऑनलाइन भी, मुझे ना बहुत ही अनप्लान्ड ट्रिप रखनी थी है, तो बहुत ही अनप्लान्ड थी है। अभी आई गो एंड हैव फूड, पीपल आर वॉचिंग एंड दे गोना कीप ऑन वॉचिंग। धूप बहुत लग रही है, सोच रही हूँ ये सनग्लासेस खरीद लूँ। टेस्टी। अब मैं जाऊँगी बिकॉज अब मैंने जूस पी लिया है, आई फील फुल। अब मैं जाऊँगी आई हैव कुछ एथनिक खरीदूंगी बिकॉज मैं इसके बाद जा रही हूँ चौकी दानी, बाय द वे आई एम वेयरिंग दिस, और क्योंकि लेजर कराया तो इसलिए हम वेयरिंग पूरे कपड़े जिससे कि बर्न ना हो जाए, और सनस्क्रीन भी लगाई है। अब मैं जाऊंगी मार्केट, वहां से लूंगी कुछ एथनिक वेयर, और शाम को जाऊंगी मैं चौकी रानी विच इज़ माय फेवरेट प्लेस, और मुझे जाना था वहां पे, मेरा मन था, सो आई थॉट मुझे उठना चाहिए और मुझे चौकी रानी जाना चाहिए, तो मैं सिर्फ चौकी रानी के लिए आई मेड दिस ट्रिप एंड फॉर ऑफकोर्स ब्लॉग। और मैंने बहुत ही सस्ते में ट्रैवल किया है, वो मैं आपको बताऊँगी बाई दी एंड ऑफ दिस ट्रिप कि मैंने क्या क्या खरीदा, मतलब खरीदा या जो भी मैंने कैसी कैसी ट्रिप करी थी, मतलब बस से ट्रैवल किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो सो गुड एक्सपीरियंस, अकेले गुड एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल। और यही मैंने शॉपिंग करी थी कुछ, ये जो जॉगर है यही मैंने शॉपिंग की थी कल, और यही मैं पहन के आ गई। मैंने रिक्शा लिया है, यहाँ से मैं जाऊँगी महारानी बाज़ार, जाना था मुझे बापू बाज़ार पर उन्होंने बोला यहाँ पे पैसे कम लगेंगे, महारानी बाज़ार में साइड और आशिक रोड महारानी बाज़ार, वहाँ से कुछ एथनिक खरीदूँगी। ये भैया मुझे लेकर गए थे वही बाज़ार जहाँ मैं
लास्ट ईयर आई थी और जहाँ से मैं बर्बाद होकर गई थी, मैंने एक कुर्ता लिया था जो कि मैं आपको घर पहुँच के दिखाऊंगी, वो पहले वॉश में उन्होंने बोला था कि इसका रंग बहुत ही अपने हाथों से बनाया है, वो खिलेगा हर धुलने के बाद खिलेगा। मैंने उसको पहना, मैंने सोचा अब तो मम्मी को, मैंने घर पे जाके बोला मम्मी इसका रंग खिलेगा, मम्मी ने बोला वाह बेटा वाह, मम्मी ने धोके दिखाया ले बेटा खिल गया मेरा रंग, पूरा सफ़ेद निकल गया वो, मैं दिखाऊंगी घर जाके, बहुत ही घटिया था वो और बहुत एक्सपेंसिव था बहुत ज़्यादा। उसका नाम था रजवाड़ा, मत जाना प्लीज़। और था एक भैया, भैया पहले वाली मार्केट का क्या नाम था, हाँ महारानी, वहाँ मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, महंगा होता है, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, बस दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। अब मुझे यहाँ से लात मार के भगा दिया जाएगा किसने सुन लिया ये कहते हुए, बट स्टिल मैं आप लोगों को बचा के रहूँगी। रास्ता बंद कर दिया है तो मुझे पड़ा उतरना, अब मैं जाऊँगी यहाँ से पैदल पैदल सीधे मार्केट। धूप बहुत है, सनस्क्रीन लगाई है थैंक गॉड, बट कितना ही बचा लेगी सनस्क्रीन। पूछती हूँ किसी से कि कहाँ जाना है मुझे, फिर मैं बताती हूँ। फिर मैं पहुंची बापू बाज़ार, ये बाज़ार बहुत ही फेमस है, यहाँ पे सब कुछ बहुत चीप मिल जाता है, इसको चोर बाज़ार भी लोग बोलते हैं बट इट इज़ नॉट। मैंने यहाँ से कुछ कपड़े ख़रीदे हैं, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगे कम्पेयर टू जो मैंने ये जो बड़े बड़े मार्केट से जहाँ से लिया था। और फिर यहाँ पे इनके पास बैंगल्स थे, हर कलर के थे, मैंने बेज कलर लिया एज़ यूजुअल। फिर एयर रिंग्स थे, शादीशुदा वाले कुछ कुछ थे इनके पास। मैंने 300 की शॉपिंग की जिसमें से 200 का मेरा एक इंडियन एथनिक, 50 के बैंगल्स थे, 30 या 50 के थे इयर रिंग्स जो कि मैं चौकी दानी में पहनूंगी, इट्स ऑफ रेड कलर, ब्लैक कलर मैं अवॉइड कर रही हूँ एज मच एज पॉसिबल, अभी नहीं पहनूंगी बिकॉज अभी धूप है और क्योंकि मेरी लेजर की वजह से तो फिर इसीलिए, और पीपल आर आस्किंग यूट्यूब चैनल है आपका, आई सेड यस फिर मैं भाग गई। तो फिर ये पहनूंगी मैं, अभी धूप है तो इसलिए नहीं पहन रही, बट जब धूप जाएगी तब पहनूंगी मैं चौकीदानी में, बहुत ही फैमिलियर है। पर लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैं पूरा कंप्लीट इसको नहीं घूम पाई थी, इस तरह लोग मेरी तरह ही वॉक करके जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउड ही नहीं था और बैरिकेड्स लगाए हुए थे क्योंकि यहाँ पे कुछ आई थिंक बीजेपी की रैली निकली थी जो मुझे कैब ड्राइवर ने बताया जब मैं वापस आ रही थी। इससे पहले कि वो मेरा किसी और को देने में खा लेती हूँ, नहीं पहुँची हूँ मैं और बहुत थक गई हूँ, सारा मेकअप उड़ चुका है ऐसा लग रहा है मुझे अब वो तो, और लाइट इतनी पड़ रही है कि मैं देख भी नहीं पा रही हूँ अपने आप को, अब वो तो एडिटिंग के टाइम ही पता चलेगा कि कैसी हालत हो गई है। बाय द वे कुछ सेलिब्रेशंस चल रहे हैं यहाँ पे और हर जगह रास्ते बंद कर दिए हैं इसलिए पैदल चल के जाना पड़ रहा है, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। ओह गॉड, पहुँच के मिलते हैं।